यस बिगिन। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है नया वंश। हमने मौर्यवंश पढ़ लिया था, मौर्यवंश के बाद हमने शुंगवंश पढ़ा, और शुंगवंश के बाद हमने पढ़ा था सातवाहन वंश, और सातवाहन वंश के बाद हमारा जो वंश स्टार्ट हो रहा है वो है गुप्त वंश। ठीक है, और गुप्त वंश का जो टाइम पीरियड था वो था 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। इससे पहले हमने पढ़ लिया था ईसा पूर्व, और हाँ अब हम पढ़ेंगे ईस्वी में। क्लियर? देखिए, गुप्त साम्राज्य कब अस्तित्व में आया था? 275 ईस्वी में यह अस्तित्व में आया था। ठीक है, मध्य भारत में शासन था गुप्त वंश का, और उसी समय जो दक्षिणी भारत था, दक्षिणी भारत में शासन था वाकाटक वंश का। ठीक है, मध्य भारत में शासन किसका है? गुप्त वंश का, और इसी समय दक्षिणी भारत में शासन था वाकाटक वंश का। तो कब अस्तित्व में आता है? 275 ईस्वी में यह गुप्त वंश अस्तित्व में आता है। अब देखिए, गुप्त वंश के जो शुरुआत के जो राजा थे वो कौन थे? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। मतलब कहा जा सकता है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? एक व्यक्ति था जिसका नाम था श्रीगुप्त। इस श्रीगुप्त ने ही गुप्त वंश की स्थापना की थी, जिसे संस्थापक माना जाता है। श्रीगुप्त कौन था? यह श्रीगुप्त कुषाणों का सामंत था। हम पढ़ेंगे ये एक अलग से डायनेस्टी है, एक अलग से वंश है कुषाण। इसको हम आगे इसी बुक में, इसी चैप्टर में टॉपिक है आपका, वो हम पढ़ेंगे बाद में। तो कुषाणों को क्या था? ये सामंत था। और सामंत क्या होता है? सामंत होता है जागीरदार या जमींदार, वो आप समझते हो। ठीक है, तो श्रीगुप्त कौन था? वो पहले कुषाणों के अधीन क्या था? एक सामंत था। जब कुषाणों की सत्ता अवरिष्ट हो गई, ठीक है, उसको उन्मूलन हो गया, खत्म हो गई कुषाणों की सत्ता, तब अस्तित्व में कौन आए थे? यह गुप्त वंश के शासक श्रीगुप्त अस्तित्व में आया था, और गुप्त वंश की नींव रखी थी। श्रीगुप्त के बाद अगला शासक कौन बनता है? घटोत्कच। ठीक है, श्रीगुप्त के बाद अगला शासक बनता है श्रीगुप्त का बेटा घटोत्कच। ठीक है, और जिसने किसकी उपाधि धारण की थी? महाराज की उपाधि इसने धारण की थी। देखिए, इतिहास में जो इतिहासकार हैं, उन इतिहासकारों के बीच में अलग अलग मतभेद है। कई इतिहासकार ये कहते हैं कि श्री गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह श्रीगुप्त नहीं था, वह कौन था? केवल गुप्त था। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार क्या कहते हैं? नहीं, गुप्त नहीं था, वह कौन था? श्रीगुप्त था। अब श्रीगुप्त था, इसका पता कैसे लगता है? कि गुप्त का मतलब होता है रक्षित, जिसकी रक्षा की जाए। ठीक है, अब इसमें पता नहीं लग रहा कि किसके द्वारा इसकी रक्षा की जाए। ठीक है, लेकिन श्रीगुप्त में पता लग रहा है कि गुप्त का, श्री का मतलब क्या हुआ? लक्ष्मी, और गुप्त का मतलब क्या हुआ? रक्षित, जिसकी रक्षा की जाए। किसके द्वारा? लक्ष्मी के द्वारा। ठीक है, तो इतिहासकारों ने श्रीगुप्त को ही इसी नाम को माना, गुप्त व गुप्त नाम को नहीं माना, ज्यादातर इतिहासकारों का मत है। श्रीगुप्त के बाद उसका राजा, उसका बेटा बनता है राजा घटोत्कच, और जिसने कौन सी उपाधि ली थी? महाराज की उपाधि थी। और इतिहास में श्रीगुप्त और घटोत्कच के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। समुद्रगुप्त ने, और समुद्रगुप्त कौन था? अभी देखिए, प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति, जिसकी प्रशंसा में कोई ग्रंथ या किताब लिखा जाए उसे बोलते हैं प्रशस्ति। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति या इसे बोलते हैं इलाहाबाद प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ने स्वयं को क्या कहा है? श्रीगुप्त का प्रपोत, श्रीगुप्त का पोता है। कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, इसका मतलब इसका पिता कौन हो गया? चंद्रगुप्त फर्स्ट। अभी पढ़ेंगे। तो समुद्र, एक नंबर क्वेश्चन में आ सकता है कि समुद्रगुप्त ने किस प्रशस्ति में कहा है कि वह श्रीगुप्त का प्रपोत्र है? तो कौन है वो? कौन सी प्रशस्ति है? प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति। प्रशस्ति मैंने बताया कि प्रशस्ति मतलब क्या हुआ? जिस व्यक्ति की प्रशंसा में कोई ग्रंथ या किताब लिखा जाए उसे प्रशस्ति बोला जाता है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे अपन, समुद्रगुप्त आएगा तो प्रशस्ति बारे में पढ़ेंगे। और अब देखिए, श्रीगुप्त हो गया, घटोत्कच हो गया, अब इन दोनों बारे में कम जानकारी मिलती है। अब देखिए, चंद्रगुप्त फर्स्ट, एक चंद्रगुप्त हम पढ़ चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। यदि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछना चाहेगा एग्जाम में, तो उसके पीछे चंद्रगुप्त मौर्य लगाएगा,
ठीक है। यदि चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पूछना चाहता है तो उसके पीछे चंद्रगुप्त प्रथम लगा हुआ आएगा। अब इसका शासनकाल देखिए 319 या 320 से 335 ईस्वी तक। देखिए घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त फर्स्ट गुप्त वंश का शासक बनता है। ठीक है, तो इस क्या पता लग रहा है कि चंद्रगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त घटोत्कच का बेटा था। तो घटोत्कच के बाद राजा कौन बनता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। देखिए श्रीगुप्त और घटोत्कच इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया था। साम्राज्य का विस्तार सबसे पहली बार किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसके पिता ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराज की। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने किस कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज, जिसका मतलब क्या होता है? राजाओं का भी राजा, राजाओं का सबसे बड़ा राजा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कुमार देवी। इस कुमार देवी से विवाह किया था। क्लियर? चंद्रगुप्त ने किससे विवाह किया? लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। और कुमार देवी और चंद्रगुप्त का ही पुत्र है ये समुद्रगुप्त। क्लियर? चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में एक नया एक संवत चलाया जिसे कहा जाता है गुप्त संवत। एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि गुप्त संवत किसने चलाया, कब चलाया? गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, और कब चलाया था? 319 ईस्वी में चलाया था। संवत क्या होता है? संवत भारतीय गणना करने के लिए एक इकाई थी। क्या नाम था इसका? संवत, जिससे गणना की जाती, समय की गणना की जाती थी। ठीक है, तो ये हुआ आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट। गुप्त वंश में हमने श्रीगुप्त पढ़ लिया, घटोत्कच पढ़ लिया, और पढ़ लिया था हमने चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट समुद्रगुप्त के बारे में।